गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, चैप्टर जो हमारा चल रहा है यू ऑल नो वेरी वेल फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें अभी तक हम रिवाइज कर चुके हैं, वो भी थॉरो के अंदर, डिटेल के अंदर, दैट इज सोल प्रोप्राइटरशिप, देन HUF, देन पार्टनरशिप, देन कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन. फोर टॉपिक्स वी हैव डिस्कस्ड सो फार. सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट ज्वाइंट स्टॉक कंपनी. ठीक है, अब देखिए सबसे बड़ा जो लेवल है ऑफ कोर्स बिजनेस का, दैट इज व्हाट, जॉइंट स्टॉक कंपनी. अपनी कंपनी ओपन कर लीजिए, चलेगा. डेफिनेटली प्लस एंड माइनस हर जगह आपको दिखेंगे, यहाँ पे भी मेरिट्स एंड डीमेरिट्स दिखेंगे, बट फिर भी यहाँ पर ग्रोथ बहुत अच्छी है. यहाँ पर सबसे मेन बच्चों पैसा कौन लगाता है कंपनी में? अगर आपकी ओवरऑल बड़े लेवल की कंपनी है, ठीक है, तो जनरली कंपनी के अंदर पैसा कौन इन्वेस्ट करता है? शेयर होल्डर्स. कौन होते हैं सर शेयर होल्डर्स? सर पब्लिक, हु इन्वेस्ट मनी इन द कंपनी, लाइक टाटा, विप्रो, रिलायंस, एशियन पेंट्स, वोडाफोन, एयरटेल. ठीक है, अब समझे इस चीज को. ठीक है, और इसमें भी दो मार्केट्स हैं जो आप गहराई से आगे पढ़ेंगे 12th में, स्पेशली प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट. जब एक कंपनी अपना शेयर इश्यू करती है, उसका सारा एंटायर जो भी प्रोसीजर है स्टार्टिंग का, टिल द टाइम वी कलेक्ट मनी फ्रॉम द पब्लिक, उसे हम क्या, वो आता है प्राइमरी मार्केट के अंदर. और फिर जो नॉर्मल आप स्टॉक मार्केट देखते हैं, शेयर मार्केट देखते हैं, जिसमें ट्रेडिंग होती है डेली बेसिस पर, वो आता है सेकेंडरी मार्केट के अंदर. और ये सब किसके रिगार्ड में बात कर रहे हैं? कंपनी. राइट स्टूडेंट्स, सो शैल वी स्टार्ट, करते हैं स्टार्ट जल्दी से. द कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज कंसीडर्ड टू बी द मोस्ट सुटेबल. सर व्हाई मोस्ट सुटेबल? क्यों है मोस्ट सुटेबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग बिजनेस एक्टिविटीज ऑन अ लार्ज स्केल? व्हाई? बिकॉज सर यहाँ पर जनरली पैसा कौन लगाता है? सर पब्लिक लगाती है. इट हैज एडवांटेज ऑफ अट्रैक्टिंग ह्यूज कैपिटल फ्रॉम द पब्लिक. सी, अगर हम बात करें सोल प्रोप्राइटर में, वहां पर भी पैसा लगाते हैं, लेकिन कौन लगाता है? ओनली ऑनर. पार्टनरशिप में कौन लगाता है पैसा, कैपिटल कौन लगाता है? पार्टनर्स. कोऑपरेटिव सोसाइटी में कौन लगाता है? मेंबर्स. लेकिन कंपनी में खास बात क्या है बच्चों? क्यों लिखा है मोस्ट सुटेबल है? कौन से स्केल पर अगर आप वर्क करना चाहते हैं? लार्ज स्केल पर. What it? It has advantage of attracting huge capital from the public with adequate, yani ki with sufficient capital, proper capital, it can employ trained and experienced managers to run the business activities efficiently. Ab aap zara sochiye, ek company mein jahan n number of funds hai, large scale pe funds hai, पैसे की शॉर्टेज नहीं है, बहुत सारा पैसा है, तो कंपनी क्या कर सकती है? सर कंपनी एक्सपीरियंस्ड मैनेजर रख सकती है, उनको ट्रेन कर सकती है, और उसके बाद मार्केट में अपना शेयर और इंक्रीज कर सकती है. सिंपल सी बात है बेटा, है ना? आप जरा सोचिए, कार्स की बात करें, हुंडई, मारुति, इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज है, नए नए इनके वेरियंट्स आ रहे हैं, नए नए उनके प्रोडक्ट्स आ रहे हैं. आप जरा सोचिए, क्योंकि सर इनके पास प्रोफेशनल एम्प्लॉयज हैं, मैनेजर्स हैं, टैलेंटेड टीम है, जिनको हम अच्छी खासी सैलरी पे करते हैं. और सैलरी के लिए पैसा कहां से आता है? सेकंड नंबर लाइन, इट हैज एडवांटेज ऑफ अट्रैक्टिंग ह्यूज कैपिटल फ्रॉम द पब्लिक. पता है एक खास बात बच्चे को क्या ध्यान रखनी चाहिए? कोशिश करनी चाहिए कि जब ये बिजनेस स्टडीज बच्चा पढ़े, तो उसको प्रैक्टिकल लाइफ से लिंक करने की कोशिश करें. अकाउंट्स में ऐसा हम कुछ कम करने को कहते हैं, क्योंकि रियल लाइफ में, प्रैक्टिकल में थोड़ा सा रूल्स रेगुलेशन, जैसे वहां पे टेली सॉफ्टवेयर पर बच्चे को हम वर्क कराते हैं, अगर अभी से कराने लग जाए तो मे भी बहुत प्रॉब्लम हो सकता है कुछ बच्चों को, डेफिनेटली, कि सर ये तो बहुत हार्ड है, क्योंकि सर ये रियल लाइफ में जब आएंगे तब सीखेंगे. बट यहाँ हम इजिली इसको प्रैक्टिकल लाइफ से कनेक्ट कर सकते हैं स्टूडेंट्स. राइट, अब डेफिनेशन देख सकते हैं. फर्स्ट डेफिनेशन लिखा है, जॉइंट स्टॉक कंपनी इज मेंट एज एन एसोसिएशन ऑफ मेनी पर्संस हु कंट्रीब्यूट मनी. एसोसिएशन किसका है? ऑफ मेनी पर्संस हु कंट्रीब्यूट मनी और मनी वर्क्स. आपको ये भी, आप लेटर ऑन जब आप प्रैक्टिकल पढ़ेंगे, लास्ट फ्यू डेज में मैंने आपके साथ डिस्कशन किया था कि बच्चों जो आप पार्टनरशिप अभी थ्योरिटिकल पढ़ रहे हैं, वो 12th क्लास में 5 चैप्टर्स प्रैक्टिकली, पूरी एक बुक है बच्चों. उसी प्रकार जो आप कंपनी पढ़ रहे हैं, वो 6th, 7th, 8th, 3 चैप्टर्स 12th में. आप जरा सोचिए,
ट्वेल्थ क्लास में 70 मार्क्स का कंट्रीब्यूशन, 7070 मार्क्स आउट ऑफ 100 कंट्रीब्यूशन किसका है? पार्टनरशिप एंड कंपनी, पार्टनरशिप एंड कंपनी। तो इट्स वंडरफुल, जो आप थ्योरेटिकल पढ़ रहे हैं वो ट्वेल्थ में प्रैक्टिकल पढ़ेंगे आप, और मजा आने वाला है आपके साथ, राइट? तो चलिए, फर्स्ट डेफिनेशन आपने रीड आउट किया, डेफिनेशन आप थर्ड भी देख सकते हैं, बहुत छोटी सी डेफिनेशन, अच्छी डेफिनेशन है। अ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, इनविजिबल, इनटेंजिबल एंड एग्जिस्टिंग ओनली इन द आईज ऑफ लॉ। क्योंकि किसी ने भी एयरटेल को, हुंडई को देखा नहीं है, सर वो आर्टिफिशियल नेम है। A group of person जो मिलकर कुछ ने एक नाम दे दिया artificial की, yes, this is XYZ company. केवल law की eyes के हिसाब से, कि law को बताने के लिए, हाँ भाई कानून के आगे अगर कोई public है कि ये कौन सी company है, इसका क्या वजूद है, क्या ये legal है, illegal है, तो law कहता है नहीं भाई देखिए इन्होंने registration करा रखा है, ये legal है, 100% legal है, right? तो ये definition आप अपने दिमाग में रख सकते हैं company का basics. Now, what are the various features? Just have a look on these points, जो combined points दे रखे हैं, just have a look. और याद करने की कोशिश कीजिए इसे जल्दी से. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 points हैं. याद कीजिए जल्दी से अभी के अभी. Yes, students. याद कीजिए. सबसे पहले points याद कीजिए. Please याद कीजिए तुरंत अभी के अभी याद कीजिए. If you want to make interesting और कुछ अच्छा अगर करना है, सबसे main पहली requirement business studies की क्या है सर? जहां पे भी points की बात है, merits, demerits, वो points forever हमारे दिमाग में रहने चाहिए सर। और वो कैसे रहेंगे? जब हम बार बार उसे recall करेंगे। आइए जल्दी से मिलकर याद करते हैं features of joint stock company, meaning बात में पहला target क्या होना चाहिए सर? Points याद होने चाहिए, simple सी बात। Number one, separate legal existence. Number two, artificial person. Number three, registration. आपको बोलना चाहिए साथ साथ, बेटा honesty से, तभी तो याद होंगी चीजें, नहीं तो अचानक से सब कितना याद करेंगे। Number four, perpetual succession. Number fifth, common seal. Number sixth, transferability of shares. Next, seven, separation of ownership and control. Seven, separation and ownership of control. Eight, limited liability. जल्दी से eight के eight points याद करते हैं वापस से speedily. और कोशिश कीजिए, एक बार मैं बोलूंगा, एक बार आप बोलेंगे अपने घर पे, लगेगा parents को भी yes कि हम सच में study कर रहे हैं। इसको मजाक मत देखिए, मैंने business studies के बहुत से top teachers को देखा है, वो इसी प्रकार बच्चों को रट्टाफिकेशन भी कराते हैं। Yes, of course. मीनिंग की बात करें, ये लीजिए, परपेचुअल सक्सेशन मींस व्हाट? कंपनी चलती रहती है, भले किसी की डेथ हो जाए एक मेंबर की, एक पार्टनर, ये पार्टनर तो होती नहीं, यहाँ पे शेयर होल्डर होते हैं, डजंट मैटर, कहानी चलती रहेगी, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट चलता रहेगा, फॉलो होता रहेगा, यानी कि मीनिंग तो फिर भी हम समझ लेंगे, लेकिन पेपर में क्या होता है जनरली, बच्चा पॉइंट ही भूल जाता है। अब वो लिखेगा कहां से? ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स दिख रहा है, अब बच्चा कुछ भी कहानी बना के लिख सकता है, चांसेस है, प्रोबेबिलिटी है, बट अगर पॉइंट ही भूल गया तो कहां से लिखेगा? सो नंबर वन, सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस, नंबर टू, आर्टिफिशियल पर्सन, नंबर थ्री, रजिस्ट्रेशन, नंबर फोर, परपेचुअल सक्सेशन, नंबर फिफ्थ, कॉमन सील, नंबर सिक्स, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, नंबर सेवन, सेपरेशन ऑफ ऑनरशिप एंड कंट्रोल, एंड द लास्ट, लिमिटेड लायबिलिटी। चलिए अब जल्दी से इसको शॉर्ट में समझते हैं। लीगल, सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस मींस व्हाट सर? यहां पर क्या लिखा है? अ कंपनी हैज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। सीधी सी बात है, यहां पर पर्सनल एसेट और कंपनी के एसेट दोनों में डिफरेंस है, बिल्कुल आप दोनों को मिक्स नहीं कर सकते। वेयर एज इफ यू टॉक अबाउट सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप, 100% वहां पर आपकी पर्सनल एसेट को भी यूटिलाइज किया जा सकता है, यहां ऐसा नहीं है। नंबर टू, आर्टिफिशियल पर्सन, बिल्कुल सर, कंपनी एक रियल लाइफ में जीता जागता इंसान नहीं है, आर्टिफिशियल पर्सन है सर। ठीक है, ग्रुप ऑफ पर्सन्स मिलाकर इसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मिलकर स्टार्ट कर देते हैं, नाम दे देते हैं कंपनी, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सिलेक्ट कर लेते हैं कि कौन कौन मेन इस कंपनी को मैनेज करेगा। ऑब्वियसली वो पहले से डिसाइडेड होता है, वो पहले से डिसाइडेड होता है कि क्योंकि अब किंग फिशर की बात करें,
किंगफिशर की बात करें तो उसका विजय माल्या ही होलसेल है, सीधी सी बात, राइट। इफ यू टॉक अबाउट अंबानीज, वो पता है रिलायंस का अंबानीज ही है, सीधी सी बात, राइट। लेकिन फिर भी साथ साथ के कुछ और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो भी मेन मेन लोग मिलकर डिसाइड कर लेते हैं, जो मेन वर्क संभालेंगे, मेन कंपनी की प्लानिंग करेंगे, सिंपल। नेक्स्ट, रजिस्ट्रेशन 100% कंपल्सरी है, वेयर एज सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में ऐसा नहीं है, बट इन केस ऑफ कंपनी रजिस्ट्रेशन इज कंपल्सरी। नेक्स्ट, परपेचुअल सक्सेशन, अ कंपनी हैज कंटिन्यूस एग्जिस्टेंस इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मेंबर्स। कंपनी क्या है सर? क्रिएटेड बाय लॉ, केवल लॉ बना दिया कि हाँ भाई ये कंपनी है, ये इसका हेड ऑफिस है, सिंपल। लेकिन अगर किसी मेंबर की, शेयर होल्डर की डेथ हो जाए, डजंट मैटर। द लास्ट लाइन देखिए, लास्ट लाइन बेटा, द लाइफ ऑफ द कंपनी कैन कम टू एन एंड थ्रू लीगल प्रोसीजर ऑफ वाइंडिंग अप। कंपनी इजिली बंद नहीं हो सकती बच्चों, कंपनी के लिए पूरा प्रोसीजर आपको फॉलो करना पड़ेगा। वेयर एज इफ यू टॉक अबाउट सोल प्रोप्राइटर, अरे सर जब चाहे स्टार्ट करे, जब चाहे बंद करे। पार्टनरशिप में भी काफी तक ये चीज चलती है, आप जब चाहे बना सकते हैं। ऑफ कोर्स रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी नहीं है, वेयर एज कंपनी में है 100%, राइट। नेक्स्ट, फिफ्थ पॉइंट, कॉमन सी, बीइंग एन आर्टिफिशियल पर्सन द कंपनी कैन नॉट साइन। ये नहीं है कि देखो सर वो एयरटेल आ रहा है साइन कर रहा है, अरे मजाक है क्या? एयरटेल में कॉमन सील यूज होती है, एयरटेल पूरे भारत में, पूरे वर्ल्ड में, जहां पे भी एयरटेल का नाम चलेगा, वेदर ब्रांचेज है या जो भी है, एक कॉमन सील यूज होती है, जो एक एविडेंस का सोर्स क्रिएट करती है कि हाँ ये एक एविडेंस है। लिखा भी आप देखिए सेकंड लाइन में, द एक्टिविटीज ऑफ कंपनी आर कैरिड थ्रू अ ग्रुप ऑफ पीपल। अब जहां ग्रुप ऑफ पीपल काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, तो थर्ड लाइन बिल्कुल सही लिखा है ना, एनीवन एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी कैन यूज कॉमन सील इन प्लेस ऑफ सिग्नेचर ऑफ द कंपनी टू बाइंड द कंपनी। नहीं नहीं नहीं, यहां पर किसी एक के सिग्नेचर नहीं चलते सर, यहां कॉमन सील चलता है, सिंपल। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, अब इसको भी जरा ध्यान से देखना, द कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड इनटू शेयर्स। ये लाइन लाइफ में मत भूलना, कंपनी के अंदर पैसा कहां से आता है सबसे मेन? सर शेयर्स के थ्रू। कौन खरीदता है सर? एक नॉर्मल कंपनी में जो मार्केट में इतनी सारी कंपनीज रन कर रही है, इसमें पैसा कौन लगाता है सर? शेयर होल्डर्स। द कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड इनटू शेयर्स, द शेयर्स ऑफ द कंपनी आर फ्रीली ट्रांसफरेबल बाय इट्स मेंबर्स। अब इसकी गहराई जब आप वैरायटीज ऑफ कंपनी पढ़ेंगे, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, वन पर्सन कंपनी, तब आपको और गहराई पता चलेगी। अभी हम इन कॉमन आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं फीचर्स, ठीक है। तो ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स की कितनी अच्छी एक बात है कि शेयर्स मेंबर्स चाहें तो ट्रांसफर कर सकते हैं। और सेकंड लाइन भी बहुत ही अच्छी लिखी है बच्चों, अ शेयर होल्डर इज फ्री, अ शेयर होल्डर इज फ्री टू विड्रॉ हिज मेंबरशिप फ्रॉम द कंपनी बाय सेलिंग हिज शेयर्स। आप समझ रहे हैं, अगर आपके पास किसी कंपनी के शेयर्स हैं, आप जब चाहे बेच दीजिए मार्केट में। एनीबडी, क्या आप में से कोई बता सकता है मुझे कौन से मार्केट में बेच सकते हैं, प्राइमरी मार्केट या सेकेंडरी मार्केट? अभी अभी हमने कुछ चर्चा भी की थी, डिस्कशन। सेकेंडरी मार्केट सर। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, राइट। तो एक शेयर होल्डर चाहे तो मेंबरशिप से विड्रॉ कर सकता है, और आप में से कई बच्चों के पेरेंट्स ने शेयर्स खरीदे भी होंगे बच्चों, और सेल आउट भी किए होंगे, राइट। लेकिन थर्ड के बाद जो लास्ट लाइन इसमें दिख रही है, उसके ऊपर भी ध्यान दीजिए, द शेयर्स ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कैन नॉट बी इजिली ट्रांसफर्ड। अब ये रूल्स एंड रेगुलेशन हमें और डिटेल में कब समझ में आएंगे? जब हम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का डिस्कशन करेंगे स्टूडेंट्स, राइट। एंड सेवंथ एंड एट पॉइंट जल्दी से देखिए क्या लिखा है। सेवंथ पॉइंट सर, सेपरेशन ऑफ ऑनरशिप एंड कंट्रोल। द कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस इज ओन्ड बाय द शेयर होल्डर्स। दी शेयर होल्डर्स इलेक्ट देयर इलेक्टिव्स हु आर कॉल्ड द डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहते हैं जो कंपनी को मेन मैनेज करेंगे बच्चों, ठीक है। द डायरेक्टर्स मैनेज एंड कंट्रोल द एक्टिविटीज ऑफ द कंपनी बाय अडॉप्टिंग प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स। अब देखिए थ्योरेटिकल लाइफ में और प्रैक्टिकल लाइफ में थोड़ा सा डिफरेंस आपको दिखेगा कि हाँ भाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ये बनना चाहते हैं, क्या आप सब अग्री कर रहे हैं? अब शेयर होल्डर बेटा एक बात बताइए, अगर आप में से कोई एयरटेल कंपनी का शेयर होल्डर है, तो आप सबसे मेन क्या एक्सपेक्ट करेंगे? सर हम तो एक ही चीज एक्सपेक्ट करेंगे कि हमारे शेयर्स का जो वैल्यू है ये इंक्रीज होता रहे। इट डजंट मैटर, वी डोंट माइंड सर, जिसको करना है डायरेक्शन दीजिए, जिसको प्रोफेशनल। अब आपको क्या पता एयरटेल में कौन कौन से एम्प्लॉयज है? ठीक है आपको कुछ बड़ी बड़ी कंपनीज के मेन एक्सपर्ट्स पता होंगे, बट क्या सभी कंपनीज के पता होंगे क्या?
कितने एम्प्लॉयज हैं, कितने उसमें प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स हैं? नहीं सर, नहीं। और मे बी वो हाँ अपनी एनुअल जनरल रिपोर्ट के अंदर आपको नॉलेज दें कि यस दीज आर द मेन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हु आर एसोसिएटेड विद द कंपनी, बट फिर भी सर जनरली जो शेयर होल्डर है वो एक ही एक्सपेक्टेशन सबसे ज्यादा रखते हैं, वो क्या सर? दो चीजें बेटा। नंबर वन सर, हमारे शेयर का प्राइस इंक्रीज होता रहे। हमने सर एयरटेल कंपनी का शेयर खरीदा था 150 रुपीज में पर शेयर, हमने हो सकता है 10,000 शेयर्स परचेज किए थे। आपकी क्या एक्सपेक्टेशन होगी कि शेयर्स का प्राइस 200 हो जाए, 300 हो जाए, जितना इंक्रीज हो सकता है, सो दैट अगर आप फ्यूचर में सेल करें तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो। एज वेल एज दूसरी एक्सपेक्टेशन आपकी पता है क्या होती है बीइंग अ शेयर होल्डर, कि सर डिविडेंड मिले। सर क्या मिले? डिविडेंड। व्हाट इज दैट डिविडेंड? सर प्रॉफिट जो कंपनी हर साल कमा रही है उसमें हमारा भी हिस्सा है, क्योंकि हमने कंपनी के अंदर पैसा इन्वेस्ट किया। अगर हम नहीं लगाते पैसा तो कंपनी के पास पैसा ही नहीं होता, तो कंपनी इन्वेस्ट ही नहीं करती, कंपनी बिजनेस नहीं कर पाती। कंपनी भी एक ही चीज कहती है कि यस व्हाटएवर प्रॉफिट वी हैव अर्न दैट इज योर्स, दैट बिलोंग्स टू द शेयर होल्डर्स, वो शेयर होल्डर का है। लेकिन रियल लाइफ में कंपनीज क्या करती है बच्चों, प्रॉफिट एग्जैक्टली दिखाती ही नहीं। Why? Sir, because company में जो भी profit होता है वो shareholders का होता है। Got it बच्चों? Company में profit किसका होता है? Shareholders का। तो जो भी पैसा company कमाएगी वो किसको देना होगा? Shareholders को। तो company क्या करती है? Suppose, I'm just giving a dummy example. Suppose a company has earned 5 crore rupees. Actually, exactly 5 crore एक company ने earn किया entire year में। हो सकता है company मुश्किल से 2 crore सी शो करे। सर व्हाई सर? ऐसा क्यों सर? ये तो चीटिंग है। बिल्कुल। बाकी 3 crore मेन जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, जो मेन पर्सन है कंपनी के, वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, ठीक है, जिसे आप चोरी भी कह सकते हैं, चीटिंग भी कह सकते हैं, चलेगा। और 2 crore रुपए जो जनता को शो किए वो कंपनी जनता में बांट देगी बाय वे ऑफ डिविडेंड। By way of dividend, उसमें भी कंपनी कई बार कुछ पैसा कहां रख लेती है पता है आपको? रिजर्व्स में, जो आप अभी एक छोटे बच्चे की तरह समझते हैं अकाउंट्स में कि सर ये रिजर्व क्या होता है। एवरी कंपनी, एवरी ऑर्गेनाइजेशन यूज टू प्रिपेयर रिजर्व्स, जिसे मैं एज अ टीचर आपको लोकल लैंग्वेज में समझाता हूँ गुल्लक, कि बेटा आपके पेरेंट्स भी कई बार रिजर्व्स बनाते हैं, इवन आप भी कई बार रिजर्व्स बनाते हैं अलग अलग पर्पस के लिए। याद कीजिए बॉयज एंड गर्ल्स, किसी को गिफ्ट देना है, किसी को चॉकलेट देनी है, या कुछ भी, आपको कुछ मोबाइल परचेज करना है, तो आप फंड्स कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। कहीं से पॉकेट मनी से कुछ पैसा मिला, कहीं रिलेटिव से पैसा मिला, आप उसको रिजर्व बना लेते हैं, राइट, रख लेते हैं यूज में, सो दैट इन फ्यूचर यू कैन गेट सम बेनिफिट्स। इन द सेम मैनर स्टूडेंट्स, इन द सेम मैनर कंपनी ऑल्सो यूज टू प्रिपेयर रिजर्व्स। अब अभी अभी मैंने आपसे डिस्कशन किया था कि कंपनी ने 5 crore rupees कमाया, एक्चुअल में दिखा है 2 crore भी कंपनी पूरा नहीं बांटेगी कई बार। What company can do? कि हमने 50 lakh rupees, 50 lakh rupees हम reserves में रख रहे हैं, so that अगर company में कोई uncertainty आ जाए, अगर company को funds की requirement हो, shortage हो, उस समय क्या करेगी company उस समय? Sir, इस fund का utilize करेगी जो 50 lakh reserve में रखा है। Got it बच्चों? तो अभी हम 7th point पढ़ रहे थे, separation of ownership and control, ये हमने read out किया, then limited liability, ये कितनी अच्छी बात है। Sir, जो चीज sole proprietor और partnership में नहीं है, वो limited liability वाली बात, वहाँ पर unlimited थी, means personal asset can be also utilized, whereas in case of company, जो पैसा आपने लगाया है, वहाँ तक का loss हो सकता है, कि suppose आपने किसी company में, being a इन्वेस्टर, आप में से किसी बच्चे ने एज अ इन्वेस्टर 5 lakh rupees एक कंपनी में लगाया और वो कंपनी लोन में आ गई, इंसॉल्वेंट हो गई, बर्बाद हो गई, अब आपके घर से कोई अलग पैसा नहीं लिया जाएगा, बट आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया था दैट इज 5 lakh, वो डूब जाएगा, यू विल नॉट गेट योर मनी बैक इन केस ऑफ एनी इंसॉल्वेंसी। Got it, students? तो liability limited ये एक अच्छी बात है। ये सब हमने read out किया था features। जल्दी से आगे proceed करते हैं। What are the merits? What are the merits, sir? Wow, wonderful! Only 6 points.
आई एम गिविंग यू 1 मिनट टाइम प्लीज, या तो इसे स्पीडली रीड आउट कीजिए जोर जोर से बोल बोल कर, जैसे भी 6 पॉइंट्स रिकैप कीजिए। अगेन हंसने का मत, कभी भी गलती से ये नहीं कि इस टाइम आप हंसे कि सर ये क्या मजाक है, नहीं बच्चों, ये एग्जैक्टली फैक्ट बता रहा हूं बिजनेस स्टडीज के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके दिमाग में रहने चाहिए 6 पॉइंट्स, जोर जोर से रीड आउट कर सकते हैं अभी कभी आप अपने घर पे। यस, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6। चलिए मिलकर रीड आउट करते हैं अगेन। नंबर 1, लिमिटेड लायबिलिटी। नंबर 2, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। नंबर 3, परपेचुअल एग्जिस्टेंस। नंबर 4, ग्रोथ एंड एक्सपांशन। नंबर 5, एफिशिएंट मैनेजमेंट। नंबर 6, लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल। रिवाइज करते हैं बच्चों वापस से। नंबर 1, क्या क्या मेरिट्स हैं एक जॉइंट स्टॉक कंपनी की? नंबर 1, सर लिमिटेड लायबिलिटी है। नंबर 2, सर ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट है। यस सर, हो सकता है इंटरेस्ट, अभी बताएंगे हम आपको कैसे। नंबर 3, परपेचुअल एग्जिस्टेंस है सर, सबसे बढ़िया बात, कंपनी चलती रहेगी। नंबर 4, ग्रोथ एंड एक्सपांशन। नंबर 5, एफिशिएंट मैनेजमेंट रहता है सर। नंबर 6, लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल। एक बात बताइए, 10 टाइम्स अगर आपने इसको रीड किया अगेन एंड अगेन, ठीक है, मे बी आपके पास में आपका ब्रदर सिस्टर हो तो कहे क्या हो गया भाई, सब कुछ ओके है, पागल तो नहीं होगे? नहीं बेटा नहीं, दिस इज द फैक्ट। एक जूस के साथ अगर बच्चा इस तरीके से रीड आउट करता है तो एक चीज की तो गारंटी है, आप अग्री करें ना करें, सर पेपर में पॉइंट्स तो याद हो जाएंगे, पॉइंट्स तो लिख देंगे। और पेपर में आपको प्रेजेंटेशन भी ऐसे ही देना होता है स्टूडेंट्स कि सपोज अगर हम आपसे बात करें, नेम दी या डिफाइन दी मेरिट्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी 6 मार्क्स, जस्ट आई एम गिविंग यू एग्जाम्पल, तो अगर आपको 6 मार्क्स चाहिए, सबसे पहले 6 के 6 पॉइंट्स लिख दीजिए बैक टू बैक, डिस्क्रिप्शन बाद में, सबसे पहले 6 लाइन 6 पॉइंट्स। नंबर 1, लिमिटेड लायबिलिटी। नंबर 2, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। नंबर 3, परपेचुअल एग्जिस्टेंस। नंबर 4, ग्रोथ एंड एक्सपांशन। नंबर 5, एफिशिएंट मैनेजमेंट। नंबर 6, लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल। आइए थोड़ा सा डिटेल डिस्कशन करते हैं सर, बहुत इजी है। लिमिटेड लायबिलिटी सर, अभी अभी हमने बात की थी कि अगर कहीं पे लॉस हो जाए, कंपनी इंसॉल्वेंट हो जाए, या लोन्स सफिशिएंट नहीं है हमारे पास, अमाउंट सफिशिएंट नहीं है लोन को रीपे करने के लिए, लेकिन आपसे हम पर्सनली कुछ नहीं क्लेम कर सकते, कंपनी के पास जितना भी पैसा है वो चला जाएगा, कंपनी आपके घर नहीं आके कि क्रेडिटर्स नहीं आएंगे कि अच्छा एयरटेल के 500 शेयर खरीदे, अब कंपनी लॉस में आ गई, लाओ पैसा दो, बाकी का लोन का अमाउंट आप पे करो, आप भी तो मालिक की तरह, यू आर दी शेयर होल्डर। नहीं सर, नहीं, ऐसा नहीं है। सो दिस इज गुड पॉइंट। नेक्स्ट, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट मींस व्हाट? द शेयर्स ऑफ द कंपनी कैन बी इजीली बॉट एंड सोल्ड इन द मार्केट। यस, अगर आज आपने किसी कंपनी के 2000 शेयर्स परचेज किए और आप चाहें तो 2 दिन बाद सेल कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। तो ये कितनी अच्छी एक बात है बेटा, राइट? लिमिटेड लायबिलिटी भी इजी है, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट इज आल्सो इजी, परपेचुअल एग्जिस्टेंस, चलता रहता है कंपनी, ये नहीं फर्क पड़ता कि किसी मेंबर की, इवन किसी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की भी डेथ होगी, कंपनी चलती रहेगी भाई, कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है सर, कंपनी सच में एग्जिस्ट नहीं करती। कोई एक लास्ट लाइन देखिए क्या लिखा है, द डेथ insolvency and incapacity of any member does not affect the existence of the company, koi fark nahi padta. Number 4, growth and expansion, definitely sir, ek company ke point of view se baat kare, jahan bahut sara corpus hota hai, bahut sara funds hota hai, paise ki shortage generally nahi rehti. To number 2 line mein kitna acha likha hai, second line mein, the company has large financial resources and their rate of profit is also high. Of course, अभी मेरी जस्ट फ्यू डेज बैक बात हुई कि एक कार जो मान लीजिए 15 लाख की है, इसके ऊपर कंपनी को कितना प्रॉफिट होता होगा ओवरऑल? मतलब प्रॉफिट डेफिनेटली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है बच्चों, कुछ कंपनी कमाती है, कुछ होल ये जो आपके डीलर्स हैं ये कमाते हैं, बट ओवरऑल फिर भी 3 लाख मिनिमम बता रहे हैं कई लोग मार्केट में जो सर्वे करते हैं कि अराउंड 3 लाख रुपीज का प्रॉफिट। आप जरा सोचिए, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप बात करें, अच्छा खासा प्रॉफिट। इफ यू टॉक अबाउट आईफोन, 1 लाख के फोन्स, क्या सच में इनकी कॉस्ट 1 लाख होगी? सर ब्रांड नेम है, ब्रांड नेम, सिंपल सी बात है सर। तो कंपनी की बात करें, डेफिनेटली लार्ज फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं एंड देयर रेट ऑफ प्रॉफिट इज आल्सो हाई। बिल्कुल सही है सर, ठीक है। अब देखिए क्या लिखा है थर्ड लाइन, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखिए थर्ड लाइन में क्या लिखा है, रीड आउट कीजिए।
sir, they can easily use large amount of accrued or retained profit for expansion and growth. What does it mean? क्या मतलब है इसका स्टूडेंट? जरा सोचिए एंड रेज योर हैंड इफ एनीबडी वांट्स टू एक्सप्लेन. They can easily use large amount of accrued or retained profit for expansion and growth. Anybody? What does it mean? क्या मीनिंग होना चाहिए इसका स्टूडेंट्स? यस यस. Who is going to say? So good discussion. अच्छा रिस्पॉन्स दिया स्टूडेंट्स ने. मैं थोड़ा सा और इसको प्योरीफाई करता हूँ. एक कंपनी ने, अभी अभी मैंने एक एग्जाम्पल लिया था स्टूडेंट्स, एक कंपनी ने 10 करोड़ रुपए कमाए. अब कंपनी सारा पैसा नहीं बांटती शेयर होल्डर्स में, कुछ पैसा रिटेन करके रखती है. सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिटेन प्रॉफिट? नहीं समझ में आया. प्रॉफिट का वो शेयर जो आपने बांटा नहीं, अपने पास रख लिया. यस ऑफ कोर्स आप रख सकते हैं, आप शेयर होल्डर्स को बता के रख सकते हैं कि भाई कंपनी को और आगे लेके जाना है, ये नहीं कि एक ही लेवल तक रखना है. तो रिटेन मतलब अपने पास बचा के रखना, रिटेन प्रॉफिट, प्रॉफिट का वो हिस्सा. ये एक अकाउंटिंग टर्म है स्टूडेंट्स, दिस इज एन अकाउंटिंग टर्म. रिटेन्ड अर्निंग आपको दिखेगा लाइफ में कई बार. रिटेन्ड अर्निंग या रिटेन्ड प्रॉफिट मींस व्हाट? सर अर्निंग का वो पैसा जो हमने अपने पास बचा के रखा है, बांटा नहीं है. और इस पैसे को अब सोचिए, कंपनी ने 10 करोड़ में से अगर 2 करोड़ बचा के रखे, अगले साल भी ऐसे सेम प्रॉफिट हुआ, 2 करोड़ बचा के रखा, तो क्या होगा? सर कंपनी ने 2 साल में 4 करोड़ रुपए बचाए अलग से रिटेन करके रखे. कंपनी क्या इसे एक नया बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकती? क्या अपनी 3-4 नई ब्रांचेस ओपन नहीं कर सकती? जरा सोच के देखिए. क्या फॉरेन में अपना बिजनेस नहीं इंक्रीज कर सकती? सब कुछ कर सकती है सर, 100%. कितने सारे ब्रांड्स हैं अपने इंडिया के जो फॉरेन में भी वर्क कर रहे हैं. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फॉरेन में मैंने खुद ने देख रखा है सिंगापुर में. जरा आप सोचिए. तो यू शुड थिंक इन अ प्रैक्टिकल मैनर. और बहुत मजेदार चीज है, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, कंपनी ऐसा गोलमोल करके सही में, और एक अच्छी कंपनी तो काफी प्रॉफिट रिटेन करके रखती है बेटा, गुड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, सो दैट एक्सपांशन कर सके, अपना बिजनेस और हाई लेवल पर ले जा सके, नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर सके, अपनी नई ब्रांचेस ओपन कर सके, ताकि मार्केट शेयर इजिली हम और कैप्चर कर सके. आप जरा सोचिए ना, कितने सारी ब्रांचेस हैं, रिलायंस फ्रेश हर जगह आपको दिख जाता है आजकल, बीकानेर में भी 2-2 हैं, बिग बाजार ठीक है यहाँ नहीं है, बाहर आपको दिखेगा. उन्होंने अपनी नई नई ब्रांचेस सेटअप की, ऑफकोर्स पैसे में से बचा के वो और पैसा कमा रहे, पैसे से ही पैसा कमा रहे हैं. जरा सोचिए प्रैक्टिकली, ठीक है? तो जल्दी से आगे मूव ऑन करते हैं. जॉइंट स्टॉक कंपनी की मैरिट हम पढ़ रहे थे, राइट? राइट बच्चों, मैरिट जिसमें हमें 6 पॉइंट्स पढ़ने हैं, 4 पॉइंट्स वी हैव डन. जल्दी से रिमेनिंग 2 पॉइंट्स और रीड आउट करते हैं. सर नेक्स्ट, एफिशिएंट मैनेजमेंट. यस सर, पार्टनरशिप में हो सकता है नहीं हो पाए, वहां पर ये नेगेटिव पॉइंट में आ जाता है, क्योंकि पार्टनर्स हैं वो कितना पैसा लगाएंगे मैनेजर्स को देने में, सैलरी देने में, इतना अफोर्ड नहीं कर पाएंगे. व्हेयरएज इफ वी टॉक अबाउट कंपनी, यस सर कंपनी कैन डू दैट, कंपनी काम कर सकती है सर, क्योंकि कंपनी के पास सरप्लस अमाउंट में फंड्स होते हैं, कंपनी के अंदर पैसा शेयर होल्डर्स लगाते हैं. और लास्ट पॉइंट इससे प्रूव भी कर रहा है, लास्ट पॉइंट 5th पॉइंट को भी प्रूव कर रहा है, दैट लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल. ऑफ कोर्स कंपनी क्या करती है, पढ़िए. द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ द कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस इज दैट इट कैन कलेक्ट अ लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल बाय इशूइंग शेयर्स. कंपनी सबसे अच्छा काम क्या कर सकती है सर? शेयर इशू कर सकती है, अच्छा खासा फंड आ जाता है, और कंपनी इससे अपना बिजनेस आराम से और इंक्रीज कर सकती है. इनफैक्ट लिखा है ये देखिए, अपार्ट फ्रॉम शेयर कैपिटल द कंपनी कैन कलेक्ट फंड्स बाय रेजिंग लोन्स फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड बाय इशू ऑफ डिबेंचर्स एंड अदर सिक्योरिटीज. इशू ऑफ डिबेंचर भी एक सोर्स है बेटा, 12th में पूरा प्रैक्टिकल है. Issue of shares, share means what? जहां पर shareholder मालिक की तरह treat किए जाते हैं. What about debenture? अगर company को पैसे की जरूरत है, company क्या कर सकती है? एक और तरीका है, company public को, general public को invitation देती है कि that we are in need of funds, हमें funds के requirement है, please पैसा लगाइए. By way of debenture हम आपको certificate देंगे, उसे आप debenture treat कर सकते हैं, उसका नाम debenture है. इसकी खास बात, हम हर साल आपको interest देंगे और फिक्स 4 इयर्स, 5 इयर्स, 6 इयर्स, जो भी टाइम डिसाइडेड है, उसके बाद हम आपका पैसा आपको लौटा देंगे. सर व्हाट अबाउट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन? वो इंस्टीट्यूशन जो आपको लोन प्रोवाइड करता है, बट ही इज नॉट अ बैंक,
ये बैंक नहीं है। और अपने बीकानेर में भी कई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है स्टूडेंट्स, ड्यू टू लैक ऑफ टाइम अभी मैं आपसे क्वेश्चन अराइज नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्टली बता रहा हूँ। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, अब वो तो बैंक फॉर्म में आ गया है, फिर भी मुथूट फाइनेंस, इफ यू हैव लिसन, इफ यू हैव हर्ड, मुथूट फाइनेंस, चोला मंडलम, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। बजाज फाइनेंस, बेटा बजाज फाइनेंस तो फेमस है मार्केट के अंदर, राइट? आगे चले जल्दी से, चलिए जल्दी से आगे चलते हैं और रीड आउट करते हैं। डीमेरिट्स ऑब्लिक डिसएडवांटेजेस, कितने पॉइंट्स दिख रहे हैं? 7 पॉइंट्स। कितने पॉइंट्स? 7 पॉइंट्स। जल्दी से रीड आउट करते हैं। यस, क्या है ये 7 पॉइंट्स? नंबर वन, कॉम्प्लेक्सिटी इंफॉर्मेशन, लैक ऑफ सीक्रेसी, इम्पर्सनल वर्क एनवायरमेंट, न्यूमरस रेगुलेशंस, डिले इन डिसीजंस, ऑलिगेरिक मैनेजमेंट, कॉन्फ्लिक्ट इन इंटरेस्ट। देखिए कई सारी चीजें आ गई बच्चों, करें डिस्कशन इसको जल्दी से। यस, आइए, व्हाट इज इट मीन, क्या क्या इनका मीनिंग है बताइए जरा। नंबर वन आपको क्या दिख रहा है बच्चों? कॉम्प्लेक्सिटी इंफॉर्मेशन। वैसे आप ये सब रीड आउट करेंगे ना, आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा स्टूडेंट्स, दीज आर रियली वेरी इजी। ठीक है, क्या है फिर भी हम स्पीडली रीड आउट करते हैं बेटा। कॉम्प्लेक्सिटी इंफॉर्मेशन, एक कंपनी बनाना इज नॉट इजी। कंपनी बनाने के लिए बहुत सारे रजिस्ट्रेशन फीस और रजिस्ट्रार पे जाके, ऑफिस में जाके बहुत सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ती है। लैक ऑफ सीक्रेसी, कंपनी के अंदर एज वी हैव डिस्कस्ड बहुत सारे लोग होते हैं जो यहाँ पैसा लगाते हैं, तो कंप्लीट सीक्रेसी आप नहीं रख सकते। ऑफिस के अंदर भी ऑफकोर्स सबके पास, आप रजिस्टर लिखा है स्पष्ट कि आप रजिस्ट्रार को जाके सारी इंफॉर्मेशन देंगे कि यस ये हमारी कंपनी है, ये बिजनेस हम करना चाह रहे हैं, तो ये इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली सब तक डिलीट होगी, सब तक पहुंचेगी, सब तक सर्कुलेट होगी। सो इट इज देयरफॉर डिफिकल्ट टू मेंटेन कंप्लीट सिक्योरिटी कि हमारा क्या क्या टारगेट है, हम क्या प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हैं, चांसेस आर रेयर। ठीक है, ड्यू टू लैक ऑफ टाइम थोड़ा सा स्पीडली वर्कआउट करेंगे, हम सब रीड आउट कर चुके हैं बच्चों, इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, रीड आउट कीजिए इन एनी पर्टिकुलर पॉइंट, इफ यू हैव एनी डाउट जस्ट टेक अ क्लिक और आप पर्टिकुलर वो डाउट मुझसे पूछ सकते हैं। इम्पर्सनल वर्क एनवायरनमेंट रहता है, ठीक है, क्योंकि अब मालिक तो काम कर रहा ही नहीं है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तो अपना मेन डिसीजंस ले रहे हैं, कहीं ना कहीं कंपनी के अंदर काम कौन करते हैं? मैनेजर्स। तो मैनेजर्स कुछ भी, ऑफ कोर्स अगर लग रहा है किसी मैनेजर को कि मैं बहुत अच्छे एफर्ट कर रहा हूँ बट मुझे सैलरी अच्छी नहीं मिल रही, तो वो हो सकता है ऑनेस्टी से काम ना करे, मोटिवेशन ना मिले उसको, इंसेंटिव ना मिले, कंपनी स्विच कर ले, तो ये भी एक प्रॉब्लम आती है कंपनी के साथ साथ, राइट? न्यूमरस रेगुलेशंस, बहुत सारे रेगुलेशंस हैं, एनुअल रिपोर्ट्स, क्वार्टरली अकाउंट्स मेंटेन करने होते हैं, पब्लिश करने होते हैं सो दैट शेयर होल्डर्स को हम पूरी इंफॉर्मेशन दे सके, ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है। डिले इन डिसीजंस, सब लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मिलकर डिसीजन लेते हैं, वेयर एज इफ यू टॉक अबाउट सोल प्रोप्राइटर या पार्टनरशिप आप इजिली डिसीजन ले सकते हैं, बट कंपनी के केस में ये चीज एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये नेक्स्ट टू पॉइंट्स आप पढ़ सकते हैं। ऑलिगार्किक मैनेजमेंट बहुत इजी है, देखिएगा आप रीड आउट करेंगे आपको खुद को समझ में आ जाएगा। कल इसके आगे हम टाइप्स ऑफ कंपनी से पूरा डिस्कशन स्टार्ट कर देंगे। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, जल्दी से मिलते हैं, वंडरफुल प्रेजेंटेशन इन जीएसटी, राइट स्टूडेंट्स, अकाउंट्स की क्लास।